मतलब एक छोटे छोटे पत्थरों को काट कर निकाला जा रहा है यहाँ पर, तभी इतने अच्छे डिजाइनिंग मिले पत्थर की। ये देखिए यहाँ पर भी ये पत्थर लगाए जा रहे हैं मंदिर के आकार के। अयोध्या जो मेन अयोध्या वो बहुत ऊंचे स्थान पर बसी हुई है। देखिए आप देखिए निःशुल्क लॉकर सेवा यहाँ पर है, कोई भी अपना फोन जो जिसको भी राम मंदिर में मतलब दर्शन करने जाना हो यहाँ पर अपना सामान जमा करके जा सकता है। यहाँ पास बनाया जाता है आरती के लिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको चलकर दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पिलर बनाए जा रहे हैं इतने मोटे मोटे डिजाइन से। तो यहाँ पर बनेगा प्रवेश द्वार, तो यहाँ पर बनाया जा रहा है प्रवेश द्वार अभी यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ काफ़ी बड़ा प्रवेश द्वार बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। चलिए हम आपको और आगे दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके के यहाँ काम हो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर नीचे की साइड जो वायर के लिए गड्ढे खोले जा रहे हैं, जो वायर लगाए जाएंगे ऊपर जिस, यहाँ पर देखिए कोई भी खंभे आपको तार वाले नहीं दिखेंगे यहाँ पर। और ये इधर देख सकते हैं आप किस तरह काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और इधर भी। तो और आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ देखिए बनता है यहाँ सामने, यहाँ पास बनाया जाता है आरती के लिए। तो इसको काफ़ी सुंदर बनाया जा रहा है। उस साइड की दीवार भी आपको हम चलकर दिखाते हैं अभी, उस साइड किस तरह अच्छे तरीके से मतलब डिजाइनों में बनाया जा रहा है। और यहाँ पर पत्थर देख सकते हैं कटिंग हो रहे पत्थर, जो कि इसी में ऊपर लगाए जाएंगे, और कुछ पत्थर यहाँ देखिए नीचे जाम बैठाए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बनता है निःशुल्क लॉकर सेवा यहाँ पर है, कोई भी अपना फ़ोन जो जिसको भी राम मंदिर में मतलब दर्शन करने जाना हो यहाँ पर अपना सामान जमा कर कर जा सकता है, और विदाउट मोबाइल या कुछ भी मोबाइल और सब वो सब नहीं ले जा सकता, ब्लूटूथ ये सब नहीं ले जा सकता है कोई। तो चलिए हम आपको उस साइड चल कर दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितने मतलब धूल धूल हुए हैं, ये देखिए कटिंग कैसे की जा रही है, मतलब एक छोटे छोटे पत्थरों को काट कर निकाला जा रहा है यहाँ पर, तभी इतने अच्छे डिजाइनिंग दे पाते हैं इस चीज़ को। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह की दीवारें बनाई गई हैं। और आगे हम आपको दिखाएंगे अमावा राम मंदिर तक, जो कि उसके आगे तो किसी को एंट्री नहीं मिलती है। तो ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर भी ये पत्थर लगाए जा रहे हैं मंदिर के आकार के, ये देखिए। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसको श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए मतलब छाव रहे, धूप न रहे यहाँ पर बारिश के मौसम में भी, तो इसको फोल्ड भी किया जाएगा, मतलब इधर भी रास्ता है उस साइड भी किनारे भी रास्ता है। ये देखिए यहाँ पर डिजाइन है। और यहाँ पर देखिए सारे जगह काम ही चल रहा है, सारे को भी जल्दी बनाया जा रहा है, अभी पूरा नहीं बना। देखिए यहाँ पर रास्ते में दुकानें लगी हैं कुछ सामानों की। और आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी का झंडा यहाँ लहराते हुए यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो यही है हमारा जन्मभूमि पथ मार्ग, और सामने आपको दिख रहा होगा अमावा मंदिर, तो वही है अमावा मंदिर। और चलते हैं आगे, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर जैसे टीले के जरा मट्टी का टीला बना हुआ है यहाँ पर, मतलब अयोध्या जो मेन अयोध्या है वो बहुत ऊंचे स्थान पर बसी हुई है अयोध्या मेन अयोध्या। और सारे अयोध्या तो बड़ी दूर तक लगता है, लेकिन अब लेकिन अयोध्या जो मेन अयोध्या वो बहुत ऊंचे स्थान पर बसी हुई है। देखिए आप देख सकते हैं घर वहाँ पर ऊंचे ऊंचे घर हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर ही इतना ऊंचा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कई रास्ते इधर आने जाने के लिए यहाँ पर भी। और आगे दिख रही है राम मंदिर, तो वहाँ पर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, बस कुछ ही आगे तक जा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भी ये लाल पत्थर लगाए गए हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर काम हो रहा है कुछ इस तरह, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है लगेगा, मतलब आने में लाइटिंग ऊपर लाइट सब लगाई जाएगी। और ये देखिए यहाँ के खम्भे, ये देखिए खम्भा यहाँ का कितना अच्छा बनाया गया डिजाइनिंग में। चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं और राम मंदिर काम हो रहा है। तो राम मंदिर में सबको तो एंट्री नहीं मिलती है, बट हम आपको यहीं से दिखा सकते हैं जितना दिखा पाएंगे, और आगे तो हम लोग को भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वायर का काम चल रहा है, इससे क्रेन से वायर को उठाया गया, मतलब उठाया गया यहीं से, जितने तार लगते नीचे देखिए नीचे तार गया हुआ है। और ये देखिए नापने की मशीन इससे ही नापा जाता है। और यहाँ पर अयोध्या में एक बात है, बंदर बहुत हैं,
बंदर लोग जो कि प्रभु श्री राम जी के सेवक हनुमान जी हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काम हो रहा है और लगातार रात दिन काम चलता ही है, क्योंकि 22 जनवरी को तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, तो आपको पता ही होगा 22 जनवरी को क्या है। और देखिए किनारे सीटिंग एरिया है, इधर सीट लगाएगा लोगों को बैठने के लिए। अभी तो उतना क्लियर नहीं है, बैठने के लिए साफ नहीं है, साफ़ नहीं किया गया इसको, इसे धूल मिट्टी है, लेकिन जहाँ तक 22 जनवरी तक इसको साफ कर दिया जाएगा। ये सारे जो भी आपको दिख रहे हैं बने हुए, सब हटा दिए जाएंगे, लोहे इस पर लोग मतलब खड़े होकर काम करते हैं। तो ये देखिए काम लगातार चलता ही रहता है यहाँ पर। और आगे है हमारा मंदिर, तो आपको दिखाते हैं। तो राम मंदिर में तो फ़ोन लेकर नहीं जा सकते, और किसी को जाना हो तो फ़ोन वहाँ पर, जहाँ मैंने आपको दिखाया वहाँ पर लॉकर में फ़ोन जमा कर जा सकता है। देखिए यहाँ पर काम हो रहा है, सारी जगह काम मतलब लगातार काम चलते रहते हैं, कभी नाइट में कोई करता है तो मॉर्निंग में कोई, रुकता नहीं है काम। नहीं रुक जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी 22 जनवरी तक, तो इसलिए काफ़ी तेज़ी से बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर भी बनाया जा रहा है, ये देखिए गड्ढे जैसा कुछ, ये हम देखते हैं क्या है। ये देखिए वायर के लिए बनाया जा रहा है, जो भी तार हैं जो कि खम्भे में ऊपर से नहीं जाएंगे, तार सारे नीचे से ही जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर नीचे ढलाई की जाएगी मसाले से, ये सरिये बिछा दिए गए हैं अच्छे तरीके से। देखिए कितने अच्छे तरीके से सरिये बिछाएगी, जो कि कभी जल्दी ख़राब नहीं होगा। और ये यहाँ तक ही ये छत बनाया गया है पूरा, वहाँ से रामपथ मार्ग से यहाँ तक छत बनाया गया इसके नीचे आने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, सामने लिखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जाने वाला मार्ग, जाने का मार्ग। तो इस साइड ही है श्री राम जन्मभूमि, और ये है हमारा राम मंदिर, ये है हमारा राम मंदिर, और ये है श्री राम जन्मभूमि इस जगह पे पेड़ के पीछे। तो यहाँ से साइज क्लियर नहीं होती है, तो अभी हम आपको देखते हैं, अगर राम हमारा राम मंदिर पे चल के दिखाते हैं, क्योंकि इसका नाम है हमारा राम मंदिर और वो है वहाँ राम मंदिर, तो वहाँ चल कर हम आपको दिखाते हैं। अगर वहाँ से दिखेगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। और इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बनाया जा रहा है, यही राम मंदिर का हिस्सा इसके पीछे है, जो बंदा कहते उसके पीछे ही। तो और आगे चलते हैं हम, तो ये देखिए ये अंदर में जा रहा है, यहाँ पर भी कुछ कैबिन बनाए जा रहे हैं, रूम रूम जैसे। और ये देखिए यहाँ पर चेतावनी, आप सीसीटीवी की निगरानी में है। तो यहाँ पर सीसीटीवी ऐसे ऐसे जगह लगाए गए जिसको मतलब कोई देख ही नहीं सकता, ऐसे सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं छोटे छोटे। और ये देखिए यहाँ सारे वायर रखे हैं तार, क्योंकि ज़मीन के नीचे से अंडरग्राउंड होकर जाएंगे आगे, और यहाँ से हम लोग को राम मंदिर सही से नहीं दिखेगी। तो अभी हम चलते हैं आपको वहाँ ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए जितने भी लोग जा रहे हैं यहाँ पर, सारे लोग बिना फ़ोन बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के जा रहे हैं, नहीं तो अंदर नहीं जाने देंगे, वहाँ पर चेकिंग होती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह, ये देखिए यह राम मंदिर यहाँ की आपको सही दिख नहीं होगी, तो हम आपको चलकर यहाँ से ऊपर से भी दिखाएंगे किस तरह है राम मंदिर। तो ये है हमारा राम मंदिर, और इधर राम मंदिर, और ये सब देखिए ऐसे कुछ दिखता है यहाँ का पथ। और ये बीच में जो पत्थर लगाएंगे, काफ़ी दिन से पत्थर लगाए गए, कई पत्थर निकल चुके हैं यहाँ से जो लगे थे, ये देखिए यहाँ से टूट गए हैं यहाँ पर बीच में। और ये चैम्बर बनाए गए नाले के लिए, चलते हैं आपको यहाँ मंदिर से दिखाते हैं ऊपर से। तो हम चलते हैं अब हमारा राम मंदिर के ऊपर की ओर, ये देख सकते हैं इधर पीछे की साइड है, हम चलते हैं अभी साइड से। यहाँ फिर दीवारें देखिए कलर की जा रही हैं, इसी कलर की होगी, भगवा कलर की। और यहाँ पर भी काम हो रहा है, और सारे कलर भगवा कलर के लिखे गए। देखिए किस तरह चट्टानें पड़ गई हैं यहाँ पर, मतलब दरार आ गई है चट्टान की तरह, घरों में भी मंदिरों में भी। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान का वास ही उठ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये देखिए इतने मोटे मोटे तार आए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो ये सब ट्रक से तार आकर यहाँ रखे गए हैं, जो कि अब इसके नीचे डाले जाएंगे। चलते हैं और आगे हम, आगे भैया।
तो चलिए और ऊपर चलते हैं हम उधर राम मंदिर, अमावा राम मंदिर की ओर। तो ये देखिए यहाँ का दृश्य, यहाँ भी फ़ोन लॉकर में रख सकते हैं यहाँ पर, और इधर से भी राम मंदिर की ओर जा सकते हैं। और यहाँ पर एक ये है, यहाँ पर खाना निःशुल्क मिलता है, यहाँ पर आधार कार्ड से आपको खाना निःशुल्क मिलता है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं अमावा राम मंदिर, और वो हमारा राम मंदिर है वहाँ पर, और ये है अमावा राम मंदिर देख सकते। चलिए ऊपर से हम आपको दिखाएँगे, चलिए और आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है यहाँ पर अभी, क्योंकि निःशुल्क खाने के लिए देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगाई गई हैं। और उधर निःशुल्क फ्री कूपन वहाँ से मिलता है राम रसोई से, तो इधर जाकर यहाँ पर खाना प्राप्त होता है सबको, जो भी पर्चियाँ ले रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वहाँ से पर्ची लेकर इतने लोग भीड़ में यहाँ पर आए हुए हैं। चलते हैं, हम आपको वैसे ही दिखाते हैं अंदर चलकर। तो ये देखिए वहाँ से लोग पर्ची ले रहे हैं, और इधर इस तरह भीड़ लगाए हुए हैं। चलते हैं, हम आपको अगर ऊपर दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ गए ऊपर, और ये देखिए यहाँ से इस तरह दिख रही है, सही से नहीं दिख रही है लेकिन थोड़ा शाम के टाइम में कुछ इस तरह दिखाई देती है यहाँ पर। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।